देखो आप पिक्चर पोस्ट कर दिखाई देते हैं। डॉक्टर पाठक और डॉक्टर सूरज को मैं 15 साल से जानती हूँ, वो बिट्रे नहीं करेंगे। तो आदमी परसों मरा, उसे मैं 40 साल से जानता था। साल तो डजंट सीम टू वर्क फॉर मी दिव्या। मंजिल कहीं और है, क्योंकि मैं इस देश का एक सिपाही हूँ, हमेशा सिपाही बनकर रहूंगा। ये कहा तूने? क्या मजनू की जान है खतरे में? क्या शेर खान की शेरनी हुई है किडनैप? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। अब तक की कहानी में हमने देखा कि शेर खान यानी सलमान खान और मजनू यानी अरशद वारसी की दोस्ती इतनी गहरी होती है कि जैसे जय और वीरू की जोड़ी हो। जहां एक तरफ शेर खान दिल का सच्चा होता है और वो लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार होता है, वहीं एक दोस्त की तरह मजनू उसका हमेशा साथ देता है। लेकिन शेर खान की बढ़ती उम्र और घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए उसके पिता के जोर देने के बाद वो नौकरी करने की सोचता है। जहां उस काम में उसका साथ देता है उसका सबसे अच्छा दोस्त मजनू, और दोनों मिलकर उस काम को निभाते हैं लेकिन सही तरीके से नहीं कर पाते, जिसके चलते अंजलि यानी कृति सानन उनके ऑफिस पहुंचती है उनकी कंप्लेन लेकर, और दोनों को फिर अपनी अपनी नई नौकरी से हाथ धोना पड़ता है और दोनों फिर निराश हो जाते हैं। अब जहां शेर खान के मन में कोई और ही उलट पुलट चल रही होती है, क्योंकि हमारे इस जंगल के शेर का दिल जो धड़का था किसी को देख के, और वो थी अंजलि जी। और अपनी ऐसी ही शिकायत को लेकर वो पहुंच जाते हैं अंजलि के पास, जहां अंजलि ने उनसे कहा था कि वो उनकी मदद करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वही एक वजह है उनकी नौकरी के छूटने के पीछे। वहीं वो दोनों को बाउंसर्स का जॉब ऑफर करती है, जहां उनका रोल होता है अंजलि और उसके फ्रेंड्स को सेफ रखना। और दोस्तों देखते देखते वक्त बीतता है, जहां मजनू अपने घर से बाहर निकला नहीं है, वहीं शेर खान भी अपने घर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन दूसरी तरफ अपने बेटे को इस हालत में देख के MLA के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं होता और वो अपने बदले की आग में इतना पागल हो जाता है कि वो अंजलि को किडनैप करवा लेता है। वहीं मजनू अपने और शेर खान के झगड़े से दूर होने के लिए कुछ दिनों के लिए शहर छोड़कर जाने वाला होता है, जहां वो बस में बैठने ही वाला होता है लेकिन उसे कुछ MLA के आदमी किडनैप कर लेते हैं और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। और उसकी ये पट्टी खुलती है एक ऐसी जगह पर जहां ना तो कोई रोशनी होती है और ना ही लू, ये एक बंद गोडाउन होता है और मजनू चारों तरफ देखता है। मजनू खुद को बचाने के लिए गुंडों से फाइट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत गुंडे होने की वजह से वो उनसे जीत नहीं पाता और वो गुंडे उसे चेयर पर बांध देते हैं, जहां उसे वहीं बैठाते हैं जहां वो दूसरा इंसान बैठा होता है। और मजनू जब उसे देखता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि अंजलि ही होती है। और मजनू कहता है, मैडम आप इनसे भी लड़ने चली आई? और ये सुनते ही अंजलि कहती है, इन्होंने मुझे किडनैप किया है, इनफैक्ट हमें किडनैप किया है उस दिन की लड़ाई की वजह से। अब पता नहीं हमारा क्या होने वाला है, ये हमें जिंदा तो छोड़ेंगे नहीं ना, अंजलि कहते ही रोने लगती है। अब जहां मजनू अंजलि से कहता है, भाभी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि हमें बचाने के लिए कोई तो बहुत जल्द ही हमारे पास आने वाला है। और तभी शेर खान की एंट्री होती है, जहां शेर खान एक एक करके सभी गुंडों की धुलाई करता है और मजनू ये देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। जहां दूसरी तरफ अंजलि शेर खान से इम्प्रेस तो हो गई थी, लेकिन पार्टी में शेर खान का खुद के लिए कंसर्न देख के वो भी अब शेर खान के लिए कुछ फील करने लगी थी। और शेर खान सबसे पहले मजनू के पास जाता है और उसे माफी मांगता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ कर देना, चाहे तो डंडे मार ले, लेकिन छोड़ के गया तो तेरी जान ले लूंगा। और दोनों ही जिगरी एक दूसरे के गले लग जाते हैं। जहां ये दोनों अपनी दोस्ती में डूबे हुए होते हैं, वहां अंजलि कहती है, और मेरा क्या, मैं क्या हूँ तुम्हारी जिंदगी में शेर खान, मुझे बता दो जरा। और इसी मौके का फायदा उठाते हुए शेर खान कहता है, हम सफर बन जाओ मेरी, जिसे सुनते ही अंजलि हंसने लगती है और हाँ कह देती है। लेकिन इनकी खुशी में कोई खुश नहीं था और उसी वक्त MLA शेर खान पे गन पॉइंट करके उसे शूट करने ही वाला था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मजनू बीच में आ जाता है और उसे एक गोली लग जाती है। जहां उसे ऐसा देख के शेर खान के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो MLA को इतना मारता है कि वो बहुत दूर जाके गिरता है, उसका बुरा हाल हो जाता है। वहीं अंजलि बिना टाइम गवाए मजनू को हॉस्पिटल लेके चली जाती है, जहां शेर खान बाकी गुंडों से लड़ाई करता है। हॉस्पिटल में मजनू का ऑपरेशन होता है और डॉक्टर बताते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है। जहां दूसरी तरफ शेर खान जल्दबाजी में हॉस्पिटल पहुंचता है और बिना किसी से बात किए सीधा मजनू के पास जाता है और उसे कहता है, ये करने की क्या जरूरत थी, तू बिल्कुल पागल है। तब मजनू कहता है, हाँ भाई आपसे थोड़ा कम पागल हूँ। और सब मिलकर हंसने लगते हैं। और दोस्तों हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। तो अब आप हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको हमारी आज की स्टोरी कैसी लगी है। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले। हमारी आज की राइटर है किरण यादव।